आप भी भारत की शानदार जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रद्द हो चुका है पांचवा T20 मुकाबला, लेकिन फिर भी भारतीय टीम विजयी बन गई है। आखिरकार कैसे भारतीय टीम विजयी घोषित हुई आपको बताएंगे, परंतु उससे पहले आप सभी को क्या लगता है पांडे और पंत में बेहतर खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आखिरकार भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में चल रही 5 मैचों की T20 सीरीज समाप्त हो चुकी है। आपको बता दें कि सीरीज के पहले 2 मुकाबले जहां दिल्ली और वाइजेग में साउथ अफ्रीकी टीम ने जीते थे, तो वहीं इसके बाद आगे के 2 मैचेस में बाजी मार ली थी दोस्तों हमारी भारतीय टीम ने। आपको बता दें सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम ने 212 का लक्ष्य देकर भी पराजय हासिल करी थी। दिल्ली में हारने के बाद दोस्तों हम 4 विकेट से कटक में भी हारे थे, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो वाकई में काबिले तारीफ था। सीरीज फिर हमारे इशारों पर नाचती नजर आई। विशाखापट्टनम के वाइजेग में दोस्तों हमारी टीम ने बड़ी शान से 48 रन के अंतर से तीसरे मैच में हराया था साउथ अफ्रीकी टीम को, लेकिन उसके बाद चौथे T20 मैच जो कि हाल ही में राजकोट में खेला गया, उसमें तो हमारे खिलाड़ियों ने हालत ही बुरी कर दी थी। साउथ अफ्रीकी टीम के खिलाड़ियों का मैदान में खड़े रहना मुश्किल हो चुका था और हमारी टीम ने पूरे 82 रन के अंतर से जीत को दर्ज किया था। ये दोस्तों भारतीय टीम की एक बहुत बड़ी जीत भी दर्ज हो गई और अब सीरीज का 5वां T20 मुकाबला शुरू हुआ M.A. चिदंबरम स्टेडियम में। और दोस्तों जैसे ही 5वां T20 मुकाबला शुरू हुआ तो मैदान में बारिश होने के आसार भी थे। शुरू हुआ जब मुकाबला तो बारिश हुई नहीं, टॉस भी हो गया और टॉस हम हार गए थे, लेकिन फिर मैदान में भारतीय टीम के खिलाड़ी जैसे ही बल्लेबाजी करने आए तो दोस्तों अभी 3 ओवर हुए ही थे, हमारे खिलाड़ियों ने जोरदार बल्लेबाजी की ही थी और प्रहार करना शुरू किया था अफ्रीकी खिलाड़ियों पर कि तभी बारिश ने दस्तक दे दी। हालांकि इससे पहले भी बारिश हो चुकी थी, लेकिन खेल शुरू हो गया था। अब दोस्तों खेल के बीच में बारिश ने खलल डाल दिया, मुकाबला रोक दिया गया। हमारे 28 रन हो चुके थे और 2 विकेट गिर चुके थे। दोस्तों ना तो बारिश रुक रही थी और ना ही वक्त रुक रहा था, जिसके बाद जाहिर सी बात है मुकाबला कटते कटते 5 ओवर तक आ गया, लेकिन इससे कम तो मैच क्या ही होता, जिसके बाद मुकाबले को रद्द ही करना मुनासिर समझा गया। खैर दोस्तों मुकाबला रद्द हो गया है, लेकिन ये भारतीय टीम की किस्म से जीत है, क्योंकि जिस तरीके से हम साउथ अफ्रीकी दौरे पर जाकर दोस्तों टेस्ट और वनडे में बुरी तरीके से मुंह की खाकर आए थे, उससे भी तगड़ा जवाब हमने पिछले 2 T20 मैचेस में दिया है। आपको बता दें कि सीरीज की शुरुआत में ही हम सीरीज को हार चुके थे ऐसा लग रहा था, लेकिन उसके बाद जिस अंदाज में पंत और पंत की पलटन ने हमें बाकी के 2 T20 मैच जिताए, पांड्या की परफॉर्मेंस देखने को मिली, ईशान और ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला चला, हर्षल पटेल, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, यहाँ तक कि आवेश खान ने भी बेहतरीन गेंदबाजी करी, ये कहीं ना कहीं दोस्तों भारतीय टीम की जीत ही तो है। क्योंकि अगर सभी खिलाड़ी अपनी टीम के लिए जी जान करके टीम को जिताने का प्रयास कर रहे हैं तो उससे बड़ी जीत भला क्या हो सकती है। नतीजा आज के मैच में चाहे हार या जीत होती, हमारी टीम का मनोबल हमें जिता चुका है और वाकई में ऐसा लग रहा है कि रोहित और कोहली के बिना भी हमारी टीम इतनी ताकतवर है कि हम वर्ल्ड कप तक खेल सकते हैं। और दोस्तों वाकई में असल मायने में यही भारत की जीत है। परंतु आप सभी इस पर क्या कहना चाहेंगे और भारत की इस असली जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो 5वां T20 मुकाबला शुरू होता उससे पहले ही जबरदस्त बारिश हो चुकी है, लेकिन मुकाबला अपने नए वक्त के बाद अब कितनी देरी से शुरू होगा और क्या होगा मुकाबले का हाल आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है मुकाबला शुरू हुआ तो जीतेगा कौन, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में 5 मैचों की T20 सीरीज अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि दिल्ली, वाइजेग, राजकोट जैसे मैदानों का सफर करके अब ये बेंगलोर के M. चिन्नास्वामी स्टेडियम तक पहुंची है, जहां 2 मैच दोस्तों साउथ अफ्रीकी टीम ने जीते तो वहीं 2 मैच जीते हमारी भारतीय क्रिकेट टीम ने। सीरीज का फैसला आज होना है M. चिन्नास्वामी स्टेडियम में। बेंगलोर के मुकाबले में भले ही भारत का रिकॉर्ड कुछ अच्छा ना रहा हो, लेकिन पंत की पलटन की फॉर्म इस बात का प्रमाण है कि सीरीज तो हमारी ही है। लेकिन दोस्तों सीरीज के इस अंतिम मुकाबले के शुरू होने से पहले मैदान में हमें लहलाती हुई धूप नजर आ रही थी, जिसके बाद साउथ अफ्रीकी कप्तान ने टॉस जीता और टॉस जीतकर गेंदबाजी भी चुन ली। खिलाड़ी मैदान में आ ही चुके थे, अभी कदम रखे ही थे, बीच में पहुंचे ही थे कि दोस्तों तभी बारिश ने दस्तक दे दी और फिर मुकाबले को रोक दिया गया। आपको बता दें कि टॉस हो चुका था, बस गेंद डलनी बाकी थी, लेकिन बारिश ने आखिरकार मौसम विभाग वालों की रिसर्च को सही साबित कर दिया। दोस्तों जैसे ही बारिश शुरू हुई उसके तुरंत बाद ही मैदान में से खिलाड़ियों को बाहर निकाला गया, कवर्स आ गए और पिच को कवर कर लिया गया।
लेकिन हाल फिलहाल की अपडेट ये भी कह रही है कि बाउंड्रीज को भी अब कवर करा जा रहा है, मतलब की संभावना है कि ताबड़तोड़ बरसात होगी अगले आधे या पौने घंटे में। हालांकि एम चिन्नास्वामी का ड्रेनेज सिस्टम बहुत तगड़ा है, यहाँ का सबमरीन एयर ड्रायर एक मिनट के अंदर ही पूरे ग्राउंड के वाटर को सोख सकता है। लेकिन दोस्तों बारिश की वजह से देरी तो होनी है और ये देरी होगी लगभग 45 मिनट की। हालांकि इस बीच में बारिश रुकने के भी आसार हैं, परंतु ज्यादातर तो यही मान रहे हैं कि मुकाबला 45 मिनट की देरी से शुरू होगा। दोस्तों आपको बता दें टॉस हार गए हैं ऋषभ पंत, लेकिन बाजी जीतने का दम तो रखते ही हैं। टीम में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन इंतजार है बस मुकाबले के शुरू होने का। परंतु आप सभी को क्या लगता है मुकाबले को कौन जीतेगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों अगर आप विराट कोहली को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में सनसनीखेज तरीके से होने वाला अंतिम मुकाबला कब और कहां और किस समय पर होगा, ये हम आपको इस बारे में बताएंगे और कौन कौन से खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिल सकता है, इन सब सारी चीजों के बारे में बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है बेहतर बल्लेबाज और कप्तान, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसमें ये T20 सीरीज अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही है, जिसके 4 मुकाबले भारतीय टीम ने खेल लिए हैं, जिसमें से अभी तक शुरुआती 2 मुकाबले भारतीय टीम के पक्ष में नहीं रहे, लेकिन अगले 2 मुकाबले भारतीय टीम ने जीत लिए हैं और सीरीज में जबरदस्त प्रदर्शन किया है, वापसी की है और सीरीज को 2-2 से बराबर कर लिया है और अब सीरीज का फैसला अंतिम मुकाबले में जीत के साथ देखने को मिलेगा। यह अंतिम मुकाबला बेंगलुरु के सबसे बेहतरीन चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसमें भारतीय टीम करो या मरो वाला प्रदर्शन दिखाएगी और पहली बार साउथ अफ्रीका को अपने घरेलू सरजमी पर हराएगी। और अंतिम T20 सीरीज मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार हो सकती है, जिसमें भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करते हुए ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ दिखाई देंगे, क्योंकि ईशान किशन तो भारतीय टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई लगातार दे ही रहे हैं और अंतिम मुकाबले में भी उनसे शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। तो दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ का शानदार फॉर्म देखने को मिल रहा है, परंतु उतार चढ़ाव वाले इस मुकाबले में बाहर निकल कर वो इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर श्रेयस अय्यर ही खेलते हुए दिखाई देंगे, हालांकि उन्होंने अभी तक बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है, परंतु उनके द्वारा भारतीय टीम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। और इसके अलावा मध्यम क्रम में ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसमें ऋषभ पंत भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे और तेज तर्रार बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे और भारतीय टीम के लिए कप्तानी पारी खेलेंगे। और इसके अलावा दिनेश कार्तिक से दूसरे मुकाबले की तरह बहुत ही शानदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है, जिसके कारण उन्हें खेलने का मौका दिया जाएगा। इसके अलावा ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक पांड्या खेलते हुए दिखाई देंगे, जिसमें हार्दिक पांड्या शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे सकते हैं और इसके अलावा फिरकी गेंदबाज के रूप में अक्षर पटेल और यजुवेन चहल ही खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो लगातार भारतीय टीम के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और अंतिम मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करेंगे। और इसके अलावा तेज गेंदबाज के रूप में भुवनेश्वर कुमार हर्षल पटेल को खेलने का मौका मिलेगा, क्योंकि इन दोनों ही गेंदबाजों ने भारतीय टीम के लिए शानदार शुरुआत और बेहतर तरीके से अंतिम ओवरों में मुकाबले को पलटा है। और इसके अलावा अंत में आवेश खान या फिर उमरान मलिक में से कोई एक खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए प्लेइंग 11 का सदस्य बनेगा, क्योंकि आवेश खान को भारतीय टीम से बाहर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने पिछले मुकाबले में 4 विकेट हासिल किए हैं और वहीं उमरान मलिक को उनकी तेज गति के लिए टीम में पदार्पण करने का मौका मिल सकता है और इस प्लेइंग 11 के साथ भारतीय टीम अंतिम मुकाबले को खेलने के लिए उतरेगी। तो वहीं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाला अंतिम और निर्णायक T20 मुकाबला बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में 19 जून को शाम 7 बजे से खेला जाएगा और यह मुकाबला तय करेगा कि भारतीय टीम पहली बार इतिहास रच पाएगी या फिर नहीं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम T20 मुकाबले को जीतकर इतिहास रच पाएगी और अपनी धरती पर हार का सामना करेगी या फिर जीत का, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।